तो कलकत्ता ने फिर से मत जमा देगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए किसी का खैरात, नहीं चाहिए हमारा हमारा हक और अधिकार चाहिए। आज बिहार में अति पिछड़ा निशा समाज आज बिहार में 35% संख्या है, और जिसमें आज हमने मजबूती से एक अच्छा पैसा हमने बना लिया है। आज हमारे पास 18% वोट है, और आने वाले समय में 2024 तक मजबूती से हर गांव हर अनुमंडल में हर जगह हम काम करेंगे, और एक एक वोट को एक एक जाति धर्म के साथ जोड़कर आने वाले समय में 25% वोट बनाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम किसी के पीछे नहीं भागने का काम करेंगे। जिसको बिहार में सरकार बनाना है तो हमारे पास आए, आपकी सरकार बनाए, ये तो हमने दिखा दिया। आपने देखा कि हम आरजेडी के साथ थे 2020 में हमारे साथ गलत किया, हमने गठबंधन तोड़ा। देखिए 5 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गया, अगर मैं उनके साथ रहता आज उनका सरकार होता। आज मैं एनडीए से बाहर हूँ, हमने दिखा दिया कि क्या नहीं है, बात कुछ भी नहीं है। इसलिए साथियों आज हमें आने वाले समय में ऐसे लड़ाई लड़ना है कि हम आने वाले समय में विधायक भी बनाएंगे और मंत्री भी बनाएंगे और सीएम भी बनाएंगे, ये हमने कर दिखाया है। आप लोगों का ऐसा बोलता है कि आप लड़ाई लड़ सकते हैं और सब चीज कर सकते हैं। इसलिए साथियों आप लोगों को मजबूती से रहना है, और पार्टी में संगठन में आप लोग तमाम हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, और काम की हर जाति जरूरी है, क्योंकि पार्टी एक जात से नहीं चलेगा। और कुछ लोग आपका पार्टी में हर जाति धर्म के लोग आएंगे, निश्चित तौर पर आपका जो एजेंडा है वो पूरा होगा। आज मैंने आपने देखा कि एक मैं 900 रुपये महीने पर नौकरी करता था, एक गरीब मछुआरा परिवार ने जन्म लिया, मुंबई जैसे शहर में 900 रुपये महीने पर नौकरी करता, वहां पर मैंने अपने झंडा को बढ़ा दिया। मैंने बिहार में आया, ये विरासत हमको राजनीति नहीं मिला, कि पिताजी हमारे मुख्यमंत्री थे या माता के मुख्यमंत्री थे, हमें विरासत में नहीं मिला, हमने अपने दम पर हमने अपनी दुनिया को बनाया। और उसी तरीके से आने वाले समय में हमें बिहार में काम करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह पे हम मुखर होकर एक ही बात को कहते थे कि हमारे एनडीए सरकार ने 19 लाख युवा को रोजगार देने का बात किया, हम 19 लाख युवा को रोजगार देने का बारे बात करें, और हम सरकार में है तो हमारा कर्तव्य है 19 लाख युवा को रोजगार दें। हम काम करने दिया है, हमने सोचा डेयरी प्रोजेक्ट लाएंगे जिसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनको लगता था जैसे हमारे बंगाल में निषाद के बीच मिलता मुनिया सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा, आप लागू कर दीजिए। दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा, आप लागू कर दीजिए। आपको हफ्ते कई बार वादा किए हैं, 2015 में आपने वादा किया, उनको लगने लगा कि आज कल एक आवर मांगेंगे, हो सकता है तो 101 मांगेंगे, इसको रोको, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव नहीं है, इसको रोको, इसको दबाओ धमकाओ लोग लालच दो, लेकिन आप निशान का बेटा है, आप कभी गलत नहीं किए, आप कभी करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और हमने तो हमेशा हर पक्ष से कहा कि अगर हमारा अधिकार सूर्य के लोग बराबर भी है तो हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और हमने जो किया हमने उत्तर प्रदेश तक जाके लड़ा लड़ा, हमने पार्टी को विस्तार किया झारखंड में, आज मजबूती से आज बिहार में, आज बिहार की पार्टी की ताकत है। आज आपने देखा कि हमारे सीट पर जबरदस्ती वो चाहे उन्होंने कैंडिडेट दे दिया, हमने भी लड़ा और हमने ताकत दिखा दिया, 18% वोट और 30,000 वोट हम अपने दम पर लाकर दिखा दिए। जो 2020 में हमारी सीट हम एनडीए के साथ थे तो 12,000 वोट हमने जीता, और जब वो एनडीए से हम निकल गए हमको निकाल दिया गया, तो हमने 36,000 वोट से एनडीए को वोट सीट पे चुनाव में हारना पड़ा, ये ताकत हमारे पास है। अरे पहली बार प्रतिनिधि का इससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट आपको ने दिखा दिया था कि 15-16% वोट हमारे पास है, पटना में 5 लाख वोट आज। इसलिए मैं कहूंगा कि आज आपके पार्टी को आप आगे बढ़े ये कोई नहीं चाहता है, इसलिए अगर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका बेहतर भविष्य बनेंगे, आपका भाई आपका बेटा आपका अपना ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता पार्टी, इसलिए मजबूती से अपने वोट का मूल्य समझिए, अपने वोट का ताकत को समझिए, आपके वोट को वो ताकत है कि आप
मंत्री बनाया गया तो मंत्री हम लोग को मेहरबानी क्यों किया। ये सरकार हमारा था, हमारे सहयोग से सरकार बना तब हमें मंत्री बनाया। और आपके वोट के रूप में ताकत है कि हम चुनाव हार गए उसके बाद भी आपको मंत्री बनाया गया, तो ये आपकी ताकत है। इसलिए साथियों मजबूती से आप लड़ाई लड़िए। आज मैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जब भी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया आपका भरपूर हमें सहयोग मिलते रहा और आगे भी मिलते रहेगा, ये भी हमें पूरा भरोसा है। इसलिए आज मेरे पास क्या था, मैं आज मोदी जी का अमित शाह जी का बात मान लेता, पार्टी विलय कर लेता, मंत्री बने